रागीलाल न्यूज चैनल में मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं काशीपुर का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अप्रैल में व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार। वकील ने लगाया कटोरादाल चौकी इंचार्ज पर रंगदारी मांगने का आरोप। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट मंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। 40 लीटर अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में बीती 4 अप्रैल को मोहल्ला काजीबाग निवासी राहुल अपने जीजा के साथ प्रिया मॉल फाटक के पास खड़ा हुआ था, तभी वहां दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसके बाद प्रार्थी उनका बीच बचाव करने गया तो उन्होंने प्रार्थी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। उस समय सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक हमलावर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने आज प्रिया मॉल से गिरफ्तार किया है। अप्रैल माह में एक राव सागर नाम के व्यक्ति ने एक FIR लॉन्च कराई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट के इरादे से उसके पर जानलेवा हमला किया था, जिसपे मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें एक व्यक्ति मौके से लगातार फरार चल रहा था, जिसे आज काशी पुलिस टीम द्वारा कोतवाली काशीपुर क्षेत्र से आज उसे गिरफ्तार किया कर माना जा रहा है। आज बार एसोसिएशन काशीपुर द्वारा कटोरादाल चौकी इंचार्ज पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया गया। बता दें कि बार काउंसिल के ही एक वकील ने कटोरादाल चौकी इंचार्ज पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मोहम्मद फैजान उसका भाई और काशी आमिर राजा व हमीद पुत्र श्री मिर्जो वाले ये सब मेरे घर के अंदर घुसाए लाठी डंडों के साथ, और इन्होंने मुझसे कहा कि साले बहुत नेतागिरी तू झाड़ पे आते ही नेतागिरी निकाल देते हैं। मैंने घर में अपने सड़क डाल दी तो लोगों में प्रचार करके हमको बदनाम करता है। इस तरीके से इन्होंने मारपीट की, बच्चों को चोट लगी और उनके जिस्म पे छोटे आई, वो नाक कान गले पे और नाक की हड्डी रो गई छोटे बेटे की। उसके बाद हम रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए तो कॉपी रिसीव कर ली उन्होंने, मगर हमारी चिट नहीं काटी। 11 तारीख को जब वकील साहबान साथ में इकट्ठा होकर गए वहाँ पे थाने में, तब उन्होंने चिट काटी। उसके बाद में यह हुआ कि नवीन बुधानी ने दूसरी पार्टी को बुलाया और मामूली फ्रोन से उनने अपने हाथ से उन्हें चे लगा कि दो लोगों ने फैजान ने और उनने क्या नाम राजा ने, और जो है उन्होंने मेडिकल कराया अपना कासिम में और फिरोज के भाई ने फैजान ने, और उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। दरोगा से फिर वो कहने लगे भाई अब हमारे कम्प्रोमाइज़ कराओ किसी भी सूरत से। दरोगा ने खुद बुधानी ने हमारे खिलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी 452323 और 506 में, और उसके बाद में हमें बुलाया उनने घर से, और बुलाने के बाद मुझसे कहा कि तुम्हें और तुम्हारे दोनों बेटों को मैं खींच के ले जाऊंगा गिलवान पकड़ के बेइज्जत करके पुलिस चौकी तक, वरना तुम अपना कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा साहब मैं किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ, मेरे बच्चों के साथ पिटाई हुई है, घर में घुस के पिटाई हुई, मुझको उस मोहल्ले में रहना, अगर मैं ऐसे कंप्रोमाइज़ करूँगा तो ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे। बोले नहीं रहने देंगे, मैं तुम्हें फिर बेइज्जत कर दूँगा समाज में, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में यही बात चीज़ होती रही, फिर बोले अच्छा ठीक है और आप ऐसा करो फिर चाहते हो कार्रवाई हो आपकी तरफ से तो आप 25,000 रुपये हमें दो, नहीं तो मैं आपको घसीटते हुए ले जाऊंगा। बहुत डराया धमकाया मुझको, मैं बीमार आदमी हूँ, बीमार चल रहा था, मैं शुगर का और हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा अच्छा साहब ठीक है 25,000 नहीं दूंगा तो कुछ ना कुछ दे दूंगा आपको। जब इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला, भयभीत किया, तो हमने जो है 20,000 रुपये लेके हम गए। दरोगा जी ने बुलाया हमें उनके और कोतवाली में हम गए। कोतवाली में उन्होंने अपने हाथ में पैसे नहीं लिए, कार का इशारा किया, कहा इसके अंदर रख दो, कार खो गए डिग्गी में। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। अपना तो करीब लाए। Wow.
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों को करीब लग। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में गश्त के दौरान जैन स्टोन क्रेशर के पास जंगल से पुलिस ने एक युवक मनोज सैनी को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया है। काशीपुर के श्री श्याम सेवा ट्रस्ट मंडल कार्यालय में आज ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष अमित चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 14 नवंबर को जो भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाना चाहता है वह अपना नाम कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा ले। उनका कहना है कि मंडल ट्रस्ट से निशुल्क बस खाटू श्याम बाबा दरबार के लिए रवाना होगी जो कि 17 नवंबर को वापस आएगी। देखिए ये श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट की निशुल्क सेवा है, इसमें जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनका आना जाना वहाँ पर रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था उस सारी जिम्मेदारी श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट की होगी। जो श्रद्धालु दर्शनार्थी जाएंगे उन्हें एक रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये प्राण हमारे महाराज जी श्री श्याम सिंह चौहान जी का है और हम उसी प्राण का पालन कर रहे हैं जो उन्होंने हरे मन से कहा। काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत आज CPU ने चेकिंग के दौरान कई चालान किए। मौके पर बुलेट बाइकों के साइलेंसर उतारे गए। वहीं CPU प्रभारी जसवंत सिंह ने सभी लोगों से अपील की है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को बाइक ना दे वरना उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। हम लोग जो है SP साहब के आदेश पर 3 सवारी बिना हेलमेट और जो ये रेट्रो साइलेंसर लेके घूमते हैं बालक उनके जो है हम चालान काट रहे हैं उन्हीं की चेकिंग कर रहे हैं। और सर साथ ही आप जो ये नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं आप उनके क्या अपील करना चाहेंगे? जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खासतौर से माता पिता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें, इससे जो है एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। और दूसरा मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, सभी माँ बाप से अपील करना चाहूँगा कि जब तक बच्चे का लाइसेंस न बने तब तक बिल्कुल भी उन्हें वाहन चलाने के लिए ना दें। काशीपुर के क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक सवारों के चालान किए गए। साथ ही जिन व्यक्तियों के पास DL और हेलमेट नहीं था उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।